तो गाइस, आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गाइस। गाइस, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे थ्री डॉट देखने को मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप ऊपर आपको टॉप पे मिलता है न्यू ग्रुप और यहाँ पे मिलता है न्यू ब्रॉडकास्ट। तो गाइस, यहाँ पे डिफरेंस ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि आप जब ग्रुप में कोई पोस्ट करते हो, डालते हो, तो वो सभी लोगों के पास पहुँच जाता है और सभी लोग उसको एक दूसरे देख पाते हैं कि ये इन इन बंदों के पास गया हुआ है और आपने किन किन बंदों को ये वाला पोस्ट भेजा है। तो वो ये सभी लोग देख पाते हैं, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम वगैरह, नोम वगैरह सभी देख पाते हैं। पर गाइस, ब्रॉडकास्ट का क्या फ़ायदा है अपने को? ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जो भी हम पोस्ट करते हैं वो उनको ओनली जिस जिन जिन बंदों को हमने इसके अंदर ऐड किया होगा वो केवल उन्हीं बंदों को जाता है। जैसे मान के चलो, मैंने किसी अपने फ्रेंड का इसमें किसी अपने फ्रेंड को इसमें ऐड कर रखा है मैंने, तो मैं जब यहाँ पे कोई पोस्ट डालूँगा तो उसको वो मैसेज पर्सनली जाएगा। जैसे हम किसी को पर्सनली मैसेज करते हैं उसी हिसाब से वो मैसेज भी उसको पर्सनली मैसेज जाएगा। जैसे मान के चलो, मैंने इसके अंदर मैंने 10 बंदे ऐड कर रखे हैं, मैंने अपने 10 फ्रेंड को या अपने रिलेटिव जिनको मैं डेली कुछ मैसेज मेरे को भेजने होते हैं गुड मॉर्निंग के, या वैसे नाइट में गुड नाइट के, या आप कोई भी एक मैसेज मान के चल लो, कैसे भी कोई मैसेज जो आप पर्सनली किसी को भेजते हो, तो उन मैसेज पर्सनली किसी को मैसेज भेजने के लिए आपको उनकी प्रोफाइल में जाना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पर मैसेज सेंड करना पड़ता है। पर गाइस, इसका ब्रॉडकास्ट का आपको फ़ायदा होता क्या है? जब आप यहाँ पे इसके अंदर जिन जिन बंदों को ऐड कर रखा हुआ आपने, तो यहाँ पे आप केवल आपको एक ही पोस्ट करना होता है। जैसे आप पर्सनली जाके किसी को पोस्ट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे पोस्ट करना होता है। तो वो उन सभी अगर उस इस ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने अगर 10 बंदे ऐड कर रखे हैं तो उन 10 बंदों के पास वो मैसेज चला जाएगा पर्सनल। तो वो देख पाएंगे कि आपने उनको ये मैसेज पर्सनल किया। उनको ये नहीं पता होगा कि आपने एक ग्रुप बना रखा है ब्रॉडकास्ट के, उससे आपने किया है। उनको ये पता होगा कि आपने उनको पर्सनली मैसेज किया है। इससे आपका काफ़ी समय बचता है गाइज। और गाइज, ग्रुप में होता क्या है, जब आप कोई भी पोस्ट करते हो तो वो सभी लोग देख पाते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर और नेम वगैरह, सभी एक दूसरे देख पाते हैं कि ये इन इन बंदों को आपने ये वाला पोस्ट डाला है। तो भाई, ब्रॉडकास्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप पर्सनली किसी को मैसेज भेज सकते हो अपना बिना टाइम वेस्ट किए। तो बस आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ब्रॉडकास्ट आपको कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। और गाइज, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आप ये ब्रॉडकास्ट बनाएंगे तो गाइज, इस ब्रॉडकास्ट में होता क्या है कि जैसे अब ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये नीचे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे मेरे काफ़ी सारे नंबर यहाँ पे शो कर रहा है गाइज ये। तो यहाँ पे ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ गए गाइज। और गाइज, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आने के बाद यहाँ पे ऊपर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ओनली, यहाँ पे लिखा ओनली कॉन्टैक्ट विथ जो आपके जो यहाँ पे जिन जिन बंदों का नंबर आपने ऐड कर रखा है, तो ये उनको मैसेज आप जब इसके अंदर सेंड करोगे तो ये केवल उन्हीं बंदों के पास मैसेज जाएगा आपका, जिन बंदों ने आपका भी नंबर अपने कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड कर रखा होगा। जैसे मान के चलो कि मैंने अपने दोस्त का नंबर अपने फ़ोन बुक में ऐड किया हुआ है और उसने मेरा फ़ोन बुक में ऐड नहीं किया हुआ, तो जब मैं इस ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड करके कोई मैसेज उसको सेंड करूँगा तो वो मैसेज उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड नहीं किया हुआ। तो ये पर्सनली उन्हीं लोगों को जाएगा जिन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रखा होगा। तो गाइज, इसमें होता क्या है कि जैसे अगर उसने अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड नहीं कर रखा होगा तो ये मैसेज उसको नहीं जाएगा, और जिन जिन बंदों ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में सेव कर रखा है तो उनके पास ये मैसेज चला जाएगा और वो इसे पढ़ पाएंगे जैसे पर्सनली आप मैसेज किसी को सेंड करते हो। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैं 2-3 बंदों को ऐड करके और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे बनाना है। गाइज, यहाँ पे आप 256 बंदे ऐड कर सकते हो इसके अंदर, 256 बंदों की आपको लिमिट दी होती है इसके अंदर। पर ये गाइज, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर 256 अगर आप ऐड करते हो और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में तो ऐड आपने कर रखे हैं तो आप इसमें ऐड कर दोगे,
लेकिन जिन जिन बंदों का आप इसमें ऐड कर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर उनके फ़ोन में सेव रहना चाहिए पहले से, तभी ये मैसेज उनको पहुंचेगा, अदरवाइज ये नहीं पहुंचने वाला उनको मैसेज। उनको शो ही नहीं करेगा कि आपने कोई मैसेज पर्सनली किया है, पर आपको यहाँ पे ये दिखा देगा कि मैसेज यहाँ से आपकी तरफ से सेंड हो चुका है। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप ब्रॉडकास्ट बनाएं तो उन्हीं बंदों को इसके अंदर ऐड करें जिन बंदों का कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपने फ़ोन बुक में सेव किया हुआ है, और आगे भी आपके फ्रेंड ने भी आपका कॉन्टैक्ट बुक में आपका नंबर सेव किया होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं दो तीन बंदे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे पांच बंदे ऐड कर देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे आपको करना होता है इन पे क्लिक, तो ये यहाँ पे टिक लग जाता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे पांच बंदे ऐड कर लिए हैं। तो गाइस ये पांच बंदे आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने ऐड किए जो यहाँ पे ऐड हो गए। अगर गाइस आप चाहते हो कि ये बंदा मेरे को नहीं चाहिए, तो आप इस पे वापस टैप करके इसको हटा सकते हो, और आप यहाँ से भी हटा सकते हो गाइस ऊपर, यहाँ पे भी आप इसको हटा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये पांच बंदे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको नीचे क्लिक कर देना होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अपना एक ब्रॉडकास्ट बन चुका है। अब गाइस यहाँ पे करना क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे आप जैसे ग्रुप में कोई पोस्ट करते हो उसी तरीके से आपको पोस्ट करना होता है, पर यहाँ पे जो भी आप पोस्ट करोगे वो उनको पर्सनली मैसेज जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप अपने ब्रॉडकास्ट का नाम भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैं अपने ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे मैं नाम भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये बना दिया, और गाइस मैं इसको ओके करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा ऊपर नाम आ गया, और यहाँ पे ये मेरे बता रहा है कि इतने मेंबर मैंने इसके अंदर जोड़ रखे हैं, इतने बंदे मेरे पाँच बंदे मैंने ऐड कर रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये बंदे मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे आप अगर इसके अंदर और मेंबर जोड़ना चाहो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे और बंदे ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे ये छठा बंदा और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये छह बंदे यहाँ पे ऐड हो गए। तो इसी तरीके से गाइस आप ब्रॉडकास्ट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रहना चाहिए, आप उन्हीं बंदों को इस ब्रॉडकास्ट में जोड़ सकते हो जिन बंदों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव हो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके फ़ोन में सेव हो। तो इस वीडियो के रिलेटिव आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना नाम दीजिए, ताकि माता पिता का नाम हो, माता पिता का नाम होगा तो देश का नाम होगा।